नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेके लाइव प्राइम टाइम, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज फिर एक बड़े मुद्दे के साथ हाजिर हुए हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा कर्मियों पर क्षेत्र में यानी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के साथ मिली भगत का बड़ा और मुतनाजा आरोप लगाया है। उनके विवादित बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और केंद्र शासित प्रदेश के डीजीपी ने घाटी के वरिष्ठ नेता की आलोचना की है। उन्होंने सुरक्षा बलों पर आतंकियों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीमा पर सेना की भारी तैनाती के बावजूद आतंकी घुसपैठ करने में आखिर कामयाब कैसे हो जाते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सवाल यह है कि सीमा पर सेना की बड़ी तैनाती के बावजूद आखिर ऐसा कैसे हो जाता है। और फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर जम्मू कश्मीर में सियासत भी एक तरह से गर्मा गई है। फारूक अब्दुल्ला के इस विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। फारूक अब्दुल्ला पहली बार उन्होंने इस तरह का यह बयान नहीं दिया है, बल्कि फारूक अब्दुल्ला अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी कई बड़े बयान उन्होंने विवादित बयान दिए हैं। आखिर इस तरह के बयान क्या सिर्फ क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की आहट है, क्या अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए फारूक अब्दुल्ला इस तरह के बयान दे रहे हैं, या उनकी मंशा आखिर इस तरह के बयानों के पीछे क्या कुछ होती है, आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर सेना पर विवादित बयान दिया, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि फारूक अब्दुल्ला का ये विवादित बयान पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कई विवादित बयान दे चुके हैं, चाहे उनका चीन वाला बयान हो कि चीन की मदद से 370 की बहाली जम्मू कश्मीर में होगी, इस बयान को लेकर काफ़ी सुर्खियों में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए थे। और इससे पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान के पास भी एटमी बम है, पाकिस्तानी फौज सेना ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, यानी डराने और धमकाने वाला एक तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान था। इसी तरह से फारूक अब्दुल्ला ने हालिया दिनों एक बयान दिया था कि कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, अगर ऐसे ही रहा तो कश्मीर का हाल भी गाजा जैसा हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत से विवादित बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला देते रहे, और एक बार फिर से उन्होंने भारतीय सेना पर सवाल खड़े किए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो आतंकी हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, ये क्या आसमान से टपक जाते हैं, घुसपैठ की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। और उन्होंने कहा कि हमारी बर्बादी में सभी मिले हुए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात हैं, इसमें सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को समझेंगे, उनकी मंशा को समझेंगे। डॉक्टर हमारे साथ इस चर्चा करने के लिए बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ सलमान निजामी साहब, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर डीपीएपी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कुछ और खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। सलमान निजामी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 जेकेएलएच में। सलमान निजामी साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का एक और बयान और उस पर सियासत एक तरह से जो संग्राम है वो एक तरह से छिड़ गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बार भारतीय सेना पर ही सवाल उठा दिए हैं। जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, इस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर ये घुसपैठ होता कैसे है, जब बॉर्डर पर इतनी ज्यादा फोर्सेस लगी हुई हैं, जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादा सेना है, तो फिर दरअंदाजी कैसे हो जाती है, यानी सीधे सीधे भारतीय सेना पर उनका सवाल। देखिए अबू हुरैरा साहब, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का जाती बयान है, मैं तो उनकी तंजीम से ताल्लुक नहीं रखता जी। लेकिन चूंकि वो मशहूर भी हैं, जैसे आपने जिक्र किया, ऐसे बयान देने के लिए। लेकिन अगर हम जमीनी सतह पे देखें तो जब गुलाम नबी आजाद साहब, हालांकि कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किश्तवाड़ की एक रैली में भी जिक्र किया कि आजाद साहब ने किस तरीके से आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो है सरकार की आलोचना की, और ये कहा कि जो आप करने जा रहे हैं वो आग में हाथ डालने का काम है। तो तस्वीरें आपके सामने है कि आज जमीनी हकाइक क्या है, कि जिस तरीके से
जम्मू सूबे में आज मिलिटेंसी जो है बढ़ चुकी है। किस तरीके से ये मिलिटेंट जो है जम्मू से कश्मीर में घुस गए हैं और कश्मीर में भी एनकाउंटर जो है चल रहे हैं, और इसमें सरकार पे सवाल बनता है। हम सिक्योरिटी फोर्सेस पे सवाल नहीं कर रहे, लेकिन जी सरकार की पॉलिसीज पे जिस तरीके से उनका रवैया रहा, जिस तरीके से मिलिटेंसी का मुकाबला पहली हुकूमतों ने किया, आवाम को परेशान नहीं किया, आज जो है आवाम भी परेशान है। सिक्योरिटी एहलकार जो है उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जी इस देश का हिस्सा है। उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शामिल है, तो इसलिए अगर किसी एक व्यक्ति की जान जाती है तो पूरा देश सदमे में पड़ जाता है। जैसे हम देखते भी अगर एक सैनिक शहीद होता है या एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एहलकार जो है शहीद होता है। तो बिल्कुल इसलिए जो दावे किए गए थे कि आर्टिकल 370 जब हटेगा तो मिलिटेंसी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो वो हमेशा, मैंने आपके साथ पहले भी आर्ग्यूमेंट किया कि वो बेबुनियाद साबित हुआ। जिस तरीके से जमीनी हकायक ऐसे हैं जो वादे किए गए थे कि भाई कश्मीरी पंडितों को वापस भेजा जाएगा कश्मीर, वहां सेटल करवाया जाएगा, लेकिन कश्मीरी पंडित भी अभी तक वापस नहीं आए। हालांकि इन कुछ सालों में कश्मीरी पंडित की किलिंग्स भी हुई हैं, सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं, उसमें सिख हमारी एक प्रिंसिपल बहन जो है उसका कत्ल भी हुआ है। तो माइनॉरिटीज भी सेफ नहीं है। अगर हम मेजोरिटी कम्युनिटी की बात करें तो मिलिटेंसी की जद में जो है वो मेजोरिटी कम्युनिटी भी है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी भी है। कश्मीर के लोग भी सफर कर रहे हैं, जम्मू के लोग भी सफर कर रहे हैं। तो इसलिए जो फारूक साहब ने कहा, उनकी जाती राय हो सकती है, लेकिन हम सरकार को आलोचना कर सकते हैं, सरकार की पॉलिसीज पे आलोचना कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी फोर्सेस पे सवाल नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक सरकार का कोई आदेश नहीं आता सिक्योरिटी फोर्सेस को, तब तक जो है सिक्योरिटी एहलकार एक कदम भी नहीं आगे डालते। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो सरकार है उनको भी संजीदगी से जो है मिलिटेंसी को हैंडल करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, और बिल्कुल आवाम का भी तावुन बहुत लाजमी है। देखिए, बिल्कुल पहले जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त जो है बहुत से मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया था, और एक बहुत अच्छा मैसेज किया था आजाद साहब ने, उनको मौका दिया कि जी आप जो है बंदूकें छोड़िए, आप मेन स्ट्रीम में आए। आज बहुत से वैसे सरेंडर मिलिटेंट्स हैं, वैसे बहुत से जो इख्वान के साथ थे वो जो हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए हैं, उन्होंने जो है बंदूकें छोड़ी और सरकारी नौकरियां उनको मिली, उनको रोजगार मिला, उनको जो है सियासत में इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया। तो इसलिए सरकार को भी जो है वो एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि बिल्कुल हमें जो है जिस तरीके से हम बयानात देते हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है जमीनी सतह पे, और वजह क्या है। इसलिए हर पार्टी को कॉन्फ्रेंस में लेके इसका हल निकालने की जरूरत है। बिल्कुल इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट आर एस पठानिया साहब, जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर एस पठानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। पठानिया साहब, अभी आप सलमान निजामी साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की हिमायत तो नहीं की जा सकती है, और जो मुल्क की सेना है उस पर सवाल भी नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह के हालात मौजूदा में, खासतौर से जम्मू में जिस तरह से मिलिटेंसी बढ़ी है, आए दिन इनकाउंटर्स हो रहे हैं, उस पर सवाल सलमान निजामी ने भी उठाया है कि, और यही बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कही है कि कहने और करने में बहुत फर्क नजर आ रहा है। सबसे पहले तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस बेतुके बेबुनियाद बेमतलब उस बयान पे आऊं। वो भारतीय सेना जो देश की सीमाओं की रक्षा करती है, वो भारतीय सेना जो हम सबकी जान माल की रक्षा और सुरक्षा दिनों रात करती है, वो सेना जिसका साहनी ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में कोई नहीं, वो सेना जो निस्वार्थ भाव से चाहे केरल चाहे वेस्ट बंगाल चाहे कहां से लेके अपनी जान की बाजी लगाई थी आज तक इन्होंने इस जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए, और जम्मू कश्मीर दुश्मनों के हाथ में ना लगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान, इसके लिए नेशन कॉन्फ्रेंस को बतौर पार्टी सबसे पहले देश से और देश की इंडियन आर्मी से माफी मांगना चाहिए। लेकिन इसी पॉइंट पे लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए कि वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है कि जो जब कश्मीर चल रहा था तो वो लंदन में जिसे कहते अय्याशी कर रहे थे, ये वो फारूक अब्दुल्ला है
जो कश्मीरी हिंदुओं का इतिहास में आजाद भारत के बाद का 47 के बाद का बल्कि ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार की अध्यक्षता इन्होंने की कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ। ये वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है कि जिन्होंने धारा 370 की वापसी के लिए जिन्होंने चीन की मदद मांग रहे हैं कि चीन आएगा तो हमें धारा 370 वापस देगा। ये वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने देश की प्रभुसत्ता और अखंडता पर जिसे कहते हैं बार बार सवाल ये निशान उठाए। मेरा तो मानना है ऐसे बयानों के लिए ओवरऑल हम सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान हम सबके लिए सुप्रीम है। भारत की संविधान की धारा और मुख्य धारा से बाहर निकल के बल्कि फ्री फॉर ऑल सिचुएशन में ऐसी बयानबाजी करना ना तर्कसंगत है, ना जनता के जिसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में है, ना ही देश की संवैधानिक जी नीति और नीति को सुझाता है। और सख्त कार्रवाई इन पे करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और विशेषकर सरकार को। ऐसे बेतुके बयान देने का ना को हक है, ना को तुक नहीं है तो मैंने ये कहा, पहला ना बयान तो है कोई नहीं। सपोर्ट आप करता है। पठानिया जी, पठानिया जी, पठानिया जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ ब्रिगेडियर धीमान साहब भी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी हालात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ब्रिगेडियर धीमान जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मैं आर एस पठानिया जी ये कह रहा था, आपने कहा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को कदम उठाना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए। ये पहला बयान तो है नहीं। जिस तरह से अभी सलमान निजामी साहब भी बता रहे थे, जिस तरह से मैंने भी अपने इंट्रो में बताया था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये पहला बयान नहीं है जो उन्होंने सेना पर सवाल उठाया, या उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की, या उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की, या उन्होंने चीन की वकालत की। ये पहला बयान तो है नहीं पठानिया जी। देखें अबू जी, मैंने कहा कि एक वक्त था कि कश्मीर में फ्री फॉर ऑल सिचुएशन थी। एक वक्त था कि कश्मीर में जितनी भारत को इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, जितनी कश्मीर को गाली, जितनी भारत को गाली दोगे उतने बड़े नेता बनोगे। आज वो माहौल, वो टोन विशेषकर जम्मू कश्मीर पे नहीं है। आज का भारत और आज का जम्मू कश्मीर जिसमें राष्ट्रवाद सबसे प्रमुख है, जिसमें लाल चौक पे तिरंगा लहराता, आज वो भारत नहीं। इनके टेंट्रम, इनके विम्स और फैंसीज को टॉलरेट करने वाला भारत नहीं है। कम से कम इन्हें समझना पड़ेगा, नहीं समझ आएगा तो जिसे कहते हैं उल्टे रास्ते भी समझ आएगा इनको। JKCA के इतने बड़े जिसे कहते हैं घोटाले में लिप्त, मुझे लगता है या तो उनको फ्रस्ट्रेशन सता रही है इनको, या इनके साहबजादे जो तीसरी जनरेशन जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर की कमान सौंपने के ख्वाब ले रहे थे, वो अपनी सीट बुरे तरीके से बारामूला हारे, या वो फ्रस्ट्रेशन इनसे जान गई, या जो जम्मू कश्मीर में जो इनकी एक सत्ता, इनकी एक सरकार, इनकी एक सरकार भी बाई डिफॉल्ट एंड बाई मोनोपोली, सरकार को लोगों के मत से नहीं, डिफॉल्ट और मोनोपोली के साथ वो जो सत्ता और वो जो सरकार चलती है उसे जाने का दुख इन्हें सता रहा है। लेकिन मैंने कहा कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। मैं अपील करूंगा कि रक्षा सुरक्षा और विशेषकर इंटेलिजेंस एजेंसी इसका संज्ञान लें और जम्मू कश्मीर के लोग भी संज्ञान लें कि पिछले 7 दशकों का ट्रैक रिकॉर्ड है इनका जम्मू कश्मीर के लोगों से, सिर्फ झूठ, फरेब, धोखा और इसकी राजनीति आज तक इन्होंने की। और ये चलिए। ट्रैक रिकॉर्ड आज भी इन्होंने, जब इनका सब कुछ छिन गया, ये जमीन पे आ गए हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं, दिखाई भी देंगे आने वाले विधानसभा के चुनावों में, अब फिर उसी जिसे कहते हैं राग को लाप रहे। मैं साफ और स्पष्ट एक बार कहना चाहता चलिए हूँ ठीक है। इस बदले का मैं भारत ब्रिगेडियर धीमान आपके पास आना चाहूंगा। सर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का विवादित बयान अपनी जगह, वो अक्सर इस तरह के बयान देते रहते हैं जिस तरह से अभी आर एस पठानिया जी कह रहे थे। लेकिन एक चीज यहां पर समझने वाली, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सबसे बड़ी फौज हमारे पास है, सबसे ज्यादा हमारे जो जवान है वो बॉर्डर पर एक तरह से दिन रात चौकस रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, उसके बावजूद ये दरअंदाजी कैसे हो जाती है, इस पर ये उन्होंने सवाल उठाया है। क्या ये सवाल जायज है या फिर वाकई में इसे विवाद तक लेकर लेकर ही एक तरह से छोड़ दिया जाना चाहिए? देखिए, यहां पे दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। जी, इस वक्त सेना जो है लड़ रही है और जो आतंकवाद है जम्मू संभाग में बहुत जोर शोर से फैला हुआ है। जी, हालांकि थोड़ा सा कंट्रोल कश्मीर वैली में और राजौरी पुंछ एरिया में है हमारे पास, बिल्कुल, परंतु जम्मू के जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे बहुत इस वक्त गदर चल रहा है। दैट इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। अब उसको ठीक करने में सेना को समय चाहिए, क्योंकि ये जो इस वक्त उन्होंने जो अभियान चलाया है आतंकवादियों ने या ISI ने, वो बहुत ही प्लान्ड और वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलाया है।
तो ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये सवाल ये पूछना कि भाई क्यों शहादतें हो रही हैं जवानों की, आर्मी क्यों नहीं कर पा रही, ये थोड़ा जायज है, इसका हम जवाब दे सकते हैं। परंतु ये कहना कि आर्मी जो है टेररिस्ट के साथ मिली हुई है, ये एक बहुत ही निंदनीय और अनएक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है जी। अब ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उसके बावजूद ये बोल रहे हैं। पर इनके बारे में मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा। इनका एक बयान होता है वैली के अंदर जो इन्होंने दिया है, जब वो वही बयान जब वो जम्मू में पहुंचते हैं तो उसमें थोड़ी सी मॉडरेशन आ जाती है, और जब वो दिल्ली में पहुंचते हैं वही बयान बिल्कुल नेशनलिस्टिक बयान हो जाता है। तो ये इनकी जो होती है ना चैमलियन कलर चेंजिंग की जो टेंडेंसी है वो है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर यहाँ मुझे एक इनके बहुत ही सीनियर कोलीग हैं जो जम्मू में हैं, और मैं उनसे कुछ दिन पहले बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि 1986 में जब ये टेररिज्म का बात चल रही थी, शुरू हो रहा था 87 में, तो ये काफी तेज हो गया था, फारूक साहब ने खुद बोला कि भाई मैंने बंदे भेजे हैं मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग के लिए और आतंकवादी बन के आएंगे। तो ये जो इनके सीनियर लीडर है उन्होंने इनको बोला कि साहब देखिए आपके बारे में ये बोला जा रहा है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये हमारे इलेक्टोरल में काम आएंगे, इलेक्शन में काम आएंगे, उनको ट्रेनिंग करके आने दीजिए। तो उन्होंने बोला कि अगर यही आदमी आपके अगेंस्ट हो गए तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने ऐसे हाथ मार के बोला मैं उनको ऐसे खत्म कर दूंगा। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, अगर आप चाहिए तो आई कैन गिव यू गेट यू अ टेस्टिमनी। दैट मींस ये लोग जो है पॉलिटिशियंस, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस हैं, ये टेररिस्ट को भी नर्चर करते हैं, और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। और उसको उसी कड़ी में ये उनका बयान है कि उनको पता है इलेक्शन आ रही है, बेस्ट चीज ये है कि आर्मी को क्रिटिसाइज करो, आर्मी के अगेंस्ट बात करो, जम्मू कश्मीर पुलिस को बैड लाइट में दिखाओ, और जितने लोग हैं उनके पैशन भड़काओ, ताकि किसी तरीके से जो इस वक्त अपने हमने देखा है कि लोकसभा इलेक्शन में जो नॉर्मलसी आई है, कश्मीर का युवा जो है वो भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में अपने आप को इंटीग्रेट करना चाहता है, टेररिज्म का पार्ट छोड़ना चाहता है, ये चाहते हैं कि इन चीजों को दोबारा ला करके किसी तरीके से लोगों को भड़का करके अपने अपने वोटों की राजनीति करें। जैसे उमर अब्दुल्ला, यहाँ तक उनके किससे हार गए, इंजीनियर रशीद जो उनके पॉलिटिकल सर्कल में उनका उनका एक रत्ती भर का आदमी भी नहीं था, तो इन चीजों से अब ये घबराए हुए हैं। तो इस किस्म की स्टेटमेंट देना गलत है। जहां तक क्वेश्चनिंग करनी है, डेमोक्रेसी है, ठीक है आपका हक है आप क्वेश्चन करिए, पर डेरोगेटरी रिमार्क्स और एक एक इल्जाम मत लगाइए, कैरेक्टर असैसिनेशन मत करिए। ये सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानें दे करके आपको आपकी जानें बचा रही हैं। आप आराम से गुप्कार रोड में अपने घर में एयर कंडीशन रूम में या हीटेड रूम में सोते हैं, इसीलिए सोते हैं क्योंकि ये लोग जान दे रहे हैं। आपकी गुप्कार रोड पे इतनी हाई डेंसिटी की सिक्योरिटी है, वो आपकी जानों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और आप उन्हीं को बोल रहे हो कि आप टेररिस्ट से मिले हुए हैं। अगर वो मिले हुए होते तो अभी तक अब्दुल्ला साहब शायद यहाँ होते ही नहीं, कहाँ होते आपको मालूम है। तो ये चीजें है एक बिल्कुल निंदनीय है, डिप्लोरेबल है, और इनको बिल्कुल जबरदस्त इनकी मजम्मत होनी चाहिए, और साथ में ये भी देखना चाहिए। सलमान सलमान निजामी साहब, बड़ी अच्छी बात ब्रिगेडियर धीमान जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वही तो सिक्योरिटी जवान, आपकी सिक्योरिटी, आपकी सुरक्षा में हर वक्त 24 घंटे लगे रहते हैं ताकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब अच्छी नींद सो सकें और अच्छे से रह सकें, सुरक्षित एक तरह से रह सकें, और उन्हीं पर सवाल उठाया जाता है। लेकिन क्या वाकई में सियासत में महज गुमराह करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए इस तरह के बयानबाजियों का भी क्या एक तरह से सहारा लेना पड़ता है? देखिए मैंने आपको तो बताया, मैंने 87 का इंसिडेंट बताया, ये इस तरीके से फारूक, सॉरी आई थॉट द क्वेश्चन वाज टू मी। जी जी, वो उनका सलमान निजामी साहब से था सवाल। जी जी, और सिक्योरिटी फोर्सेस पे सवाल उठाना गलत है जी, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें तो हाल ही में जो पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद जो एक डीएसपी है दविंदर सिंह, वो तो जिस जो आज भी शायद जेल के अंदर है, तो उसका एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ किस तरीके से वो मिलिटेंट्स के साथ मिला हुआ था और उसने किस तरीके से एक बहुत बहादुर आईपीएस ऑफिसर थे, किस तरीके से उन एक गाड़ी को रोका और जब इंट्रोगेट किया गया तो उसने बहुत खुलासा किया दविंदर सिंह ने कि मैंने काफी नौजवान कश्मीरी मासूम बच्चों को इंट्रोगेट किया, नकली और फर्जी मुकदमों में उनको फंसाया और मैंने बहुत से टेरर अटैक्स करवाए। तो ऐसे बहुत से सिक्योरिटी फोर्सेस में भी ऑफिसर्स हैं जो मिलिटेंट्स के साथ मिले हैं, बहुत सी पार्टी के ऐसे
लोग हैं, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहते कि पॉलिटिकल पार्टीज के, जो आईएसआई के लिए काम करते हैं। तो इसलिए इसको मुझे लगता नहीं है कि इसको पॉलिटिसाइज करना चाहिए। अब गलती अगर किसी से होती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरी फौज पे जो है निशाना साधें, पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस पे निशाना साधें। हर फोर्स में, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हो, उसमें कोई ना कोई ऐसे नासूर भी होते हैं जो मिलिटेंट्स का साथ देते हैं, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं। ऑन रिकॉर्ड बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो जेल की सलाखों के पीछे हैं। जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, बेकसूर कश्मीरी नौजवानों को उठा के एनकाउंटर में मारा गया, और जब आजाद साहब ने इंक्वायरी बिठाई तो वो बेकसूर थे। तो ऐसे ही मुझे लगता है बहुत से लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व, लेकिन पूरी फौज को नहीं बदनाम करना चाहिए। बिल्कुल। आर एस पठानिया जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि सब मिली भगत है और इसमें सब मिलकर एक तरह से तबाह बर्बाद उन्हें करना चाह रहे हैं। उन्होंने उनका सीधा सीधा इशारा यह था कि कश्मीर को बर्बाद करने में सभी एक तरह से मिले हुए हैं। उन्होंने सेंटर की एनडीए गवर्नमेंट पर भी सवाल उठाए। कश्मीर की बर्बादी का अगर से कहते हैं, एक खिलौना अगर चैप्टर किसी ने लिखा तो उसके मुख्य नायक से कहते हैं, बल्कि खलनायक उसके जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस है जी। मैंने कहा सत्ता जाने की एक कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन और सत्ता में नहीं आने का कोई दूर नहीं। उन्होंने उन्होंने देखिए आर एस पठानिया जी, उन्होंने सवाल यह भी उठाया कि एक तरफ कहा जा रहा था कि 370 के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जम्मू में किस तरह के हालात हो गए, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन वहां पर इनकाउंटर नहीं होते हैं, तो उन्होंने इस पर भी सवाल उठाए। अगर अगर एनकाउंटर हो रहे हैं तो जैसा हमने और विशेषकर यहाँ की सुरक्षा एजेंसी ने कहा था कि ये 60-70 लोग घिर चुके हैं, बहुत जल्दी मारे जाएंगे, उनको घेरने के लिए प्रयास हो रहे हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। बाकी जम्मू कश्मीर की ओवरऑल मैंने बार बार आपके चैनल में कहा कि रक्षा और सुरक्षा स्थिति में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है, बहुत बड़ा चेंज है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर मानती हैं। आज कश्मीर में अगर लाल चौक में तिरंगा अगर फहराता है, घर घर में अगर वहां पे तिरंगा रैली अगर हो रही है, या जन्माष्टमी का या फिर मुहर्रम का अगर जुलूस निकल रहा है, या पूरे कश्मीर में जिसे कहते हैं टूरिस्ट सीजन पीक पे है, अमरनाथ यात्रा ने 12 वर्ष का एक रिकॉर्ड जिसे कहते हैं कायम किया, श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा का एक रिकॉर्ड कायम हुआ, 3 करोड़ देखे कमेंट की आतंकवाद जिसे कहते हैं बढ़ा है, आतंकवाद कम हुआ है। हाँ, हम बोले कि आतंकवाद खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, हम सबके लिए चुनौती है, खासकर रक्षा और सुरक्षा एक एजेंसी के लिए चुनौती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, आज पूरे मुल्क के लिए खतरा खड़ा हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? लेकिन इसके बाद पहले भी हमारे जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, पुलिस ने एक औपचारिक स्टेटमेंट ऑर्डर किया कि शायद हो सकता है कि कंपैरेटिवली जो पीसफुल एरियाज थे हरियाणा हिमाचल, वहां के बॉर्डर से स्लीक करके यहाँ पे आ गए हाई ट्रेंड लोग हैं, वो अब अफगान से हैं, कहां से ये भी रूल ऑफ कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री के ट्रेंड से कहते हैं कमांडो है। लेकिन मैंने कहा कि हमारी जो एजेंसीज का मोरल जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, सरकार ने यूनियन बजट में सबसे ज्यादा एलोकेशन अगर किसी पे रखी है 4.5 जो कहते हैं लाख करोड़ के पास पास वो डिफेंस बजट पे रखी है। जम्मू कश्मीर की पुलिस का भार सब अपने पे लिया है और जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म सरकार किसी भी हद तक जा सकती है जम्मू कश्मीर के आतंकवाद का जल्द से उन्मूलन के लिए, और सरकार की पॉलिटिकल विल कम से कम जिसमें हम सवालिया निशान बिल्कुल नहीं उठा सकते, और जम्मू कश्मीर के लोगों का मोरल भी जिसे कहते हैं अप है, जम्मू कश्मीर के लोग भी आतंकवाद से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार और फिर जिसे कहते खड़े हैं। तो मुझे लगता है ये चंद दिनों की, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, ये जितने भी लोग स्लीक करके आ गए ये अपने सर अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे और जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से 100% रहित करना, आतंकवाद को यहाँ से जड़ से उखाड़ फेंकना, ये भारतीय जनता पार्टी का विशेषकर केंद्र सरकार का एक कॉल भी है, हमारा एक कमिटमेंट भी है, हम वचनबद्ध भी हैं और हम कटिबद्ध भी हैं। फारूक अब्दुल्ला इस पर जरा वो एक बयानबाजी और खासकर उपदेश बांटने से बाहर जाए, ये उन्हीं के दौरान का जिसे कहते हैं लगाया हुआ पौधा जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को आज पिछले कई दशक काफी परेशानी, काफी ट्रबल और हर किस्म की परेशानी, चाहे वो जिस्मानी, चाहे व्यापार में, चाहे शांति में, हर जगह में आज कश्मीर में ओवरऑल सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ये हमें मानना पड़ेगा। ठीक है 100% तो नहीं, लेकिन एक बेटर सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रवेश दिन कश्मीर, प्रवेश दिन जम्मू वालों, और ये जो जो मैंने कहा ये जो इंट्रूशन की वजह से एक माहौल बनाने की कोशिश करें, ये भी बहुत जल्द दूर होगा। ठीक है ब्रिगेडियर दीवान जी,
जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का सवाल है जो मैंने पठानिया जी से भी किया, उन्होंने कहा कि आखिर इस तरह की जो दरअंदाजी हो रही, जो घुसपैठ हो रहा है, इसका इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? या जिस तरह के हालात हैं, आए रोज हमारे जो जवान हैं वो अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो इसके लिए किस, क्योंकि इस पर जाहिर सी बात है सवाल तो आप उठा सकते हैं, आप जिस जमहूरी माहौल में, जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, सवाल तो आप उठा सकते हैं कि आखिर इस पर काबू कैसे पाया जाए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी कैसी हो हमारे बॉर्डरों की और हमारी सरहद की। देखिए आपने बिल्कुल बोला, मैंने पहले भी बोला कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, सवाल उठाना हमारा हक है और सवाल उठाना चाहिए, परंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि ये जो लड़ाई चल रही है, वॉर अगेंस्ट टेरर जिसको हम बोल रहे हैं, इसकी क्या डायमेंशंस हैं, इसके लिए हमने अभी तक क्या किया है। 40 साल से हम लड़ रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये परंतु ये है कि जब से 370 गया है, यूनिफाइड कमांड हेडक्वार्टर्स फंक्शन कर रहा है, कमांड सेंट्रलाइज होकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास आ गई हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसी की वजह से पाकिस्तान की ISI ने अभी अपने टैक्टिक्स में बदलाव किया है। जम्मू रीजन जो अभी तक बिल्कुल शांत था, यहां से सुरक्षा हटा करके गलवान में भेजी गई थी, चाइना के साथ कोलिजन करके उन्होंने बोला कि आप यहां पे ट्रेंड बंदे भेजिए, और कहा जा रहा है कि वो SSG कमांडो हैं, हो सकता है उनका जो टैक्टिक्स, उनकी आर्मामेंट, उनकी जो कम्युनिकेशन, उनका तरीका जो पता चल रहा है, वो हो सकता है SSG कमांडो हो, तो ये एक वन ऑफ मैनशिप करी है। अभी इसको हमने आगे क्या करना है, ये सवाल जरूर पूछना है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सवाल का जवाब एस्टेब्लिशमेंट भी देगी, आर्मी भी देगी, और यहाँ पे आर्मी कहती है कि मुझे अभी रिसोर्सेज चाहिए अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने VDGs को वापस लाने के लिए, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है आस्ता आस्ता, और साथ में एट द एंड ऑफ द डे जो अभी तक बात हो नहीं रही, मैं हर प्रोग्राम में आपको बताता हूँ कि ये वॉर अगेंस्ट टेरर जो है, इसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं और उनका नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, उनको भी इस वॉर ऑफ टेरर में खुद भागीदारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला साहब को एज ए पॉलिटिशियन बाहर आके बोलना पड़ेगा कि हर सिटीजन आके सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करे, उनको ह्यूमन इंटेलिजेंस दे, ये दो या तीन के ग्रुप में ये लोग घूम रहे हैं, इनको ढूंढना इज लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल। बिल्कुल ब्रिगेडियर धीमान जी, ब्रिगेडियर धीमान जी, बहुत बहुत सही बात आपने कही कि इस तरह की सियासत से काम नहीं चलने वाला। आप अपनी सियासत बचाने के लिए मुल्क की सेना का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि जब अगर मुल्क के सामने या मुल्क की सेना के सामने इस तरह के मसाइल हो, इस तरह की परेशानी हो, तो फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे लीडरों को निकलना चाहिए, सेना की मदद करनी चाहिए, ना कि उनके ऊपर इस तरह के विवादित बयान देने चाहिए। बहुत अच्छा इशू था, इस पर हम और बात कर सकते थे, लेकिन अब समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर धीमान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, RS पठानिया जी और सलमान निजामी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो JKLH प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।